हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। वेलकम बैक टू माय चैनल अनकिता गोयल दिस साइड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं मिनी हॉल मेकअप और स्किन केयर का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में प्रेस कर दें। सो जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो मैं वन बाय वन आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी मेकअप और स्किन केयर के जो भी मैंने लिए हैं। बहुत बड़ा हॉल नहीं है, छोटा सा ही हॉल है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरे हॉल में ये है गुड वाइब्स के टोनर्स। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे गुड वाइब्स के टोनर्स काफी पसंद है। तो इस बार मैंने टी ट्री और रोज हिप स्किन क्लेरिफाइंग वाले टोनर लिए हैं। मैंने इसके और बाकी काफी सारे वेरिएंट्स ट्राई आउट किए हुए हैं। तो ये दोनों जो टोनर्स हैं मैंने अभी तक नहीं ट्राई आउट किए हैं, मैं इनको जल्दी यूज करूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ इन दोनों का रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये टोनर मुझे देखने में अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने बाकी वेरियंट्स ट्राई आउट किए हैं, तो मुझे लग रहा है ये वाले वेरियंट्स भी अच्छे होंगे। तो पर्पल पर सेल चल रही है तो वहाँ पर बाय टू गेट टू का ऑफर था, तो मैंने गुड वाइब्स के ये दो टोनर्स लिए थे और उसके साथ मुझे और दो प्रोडक्ट्स फ्री मिल गए थे। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे हॉल में ये गुड वाइब्स का आंवला शिकाकाई शैम्पू। तो मैंने अभी तक गुड वाइब्स के शैम्पू ट्राई आउट नहीं किए, मेरा फर्स्ट है शैम्पू गुड वाइब्स के वेरियंट्स में से। तो ये आंवला शिकाकाई की मैंने जो क्वान्टिटी ली है 200 ml, तो इसका जो रिटेल प्राइस है 225 है, बट मुझे बाय टू गेट टू में ये ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर ही मिल गया था। तो ये जो गुड वाइब्स का शैम्पू है मैं जल्दी इसको यूज करूंगी, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, यूज करने के बाद ही पता चलेगा कैसा है इसके इफेक्टिव है या नहीं रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे हॉल में ये करेला एंड जामुन हेल्थ जूस या अल्सकुंडस का है। मैंने ऑलरेडी अपने एक हॉल वीडियो में दिखाया होगा, तो इसको मैं मॉर्निंग टाइम में लेती हूँ, ये अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। ये मुझे ओनली 55 में मिल गया था और क्वांटिटी इसके अंदर मुझे मिली है 300 ml, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं ये वाले प्रोडक्ट। इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, आप जाकर पर्पल की ऐप वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं जो भी आप लोगों को वेरियंट अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग लेना हो। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे हॉल में ये वाओ स्किन साइंस का कोकोनट मिल्क एंड आर्गन ऑयल बॉडी लोशन। तो इसका जो रिटेल प्राइस है 150 और इसके अंदर आपको ओनली 100 ml प्रोडक्ट मिलेगा, तो कॉस्टली है। ये पम्प साइज पैकेजिंग में है, तो पैकेजिंग कन्वीनियंट है, ट्रेवल फ्रेंडली, आप अपने साथ बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये वाला जो बॉडी लोशन है वाओ स्किन साइंस का मैंने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया, मैं इसका जल्दी रिव्यू करूंगी आप लोगों के सामने इसको यूज करने के बाद। सो ये वाओ स्किन साइंस के बॉडी लोशन के साथ मुझे वाओ स्किन साइंस का एक फुल साइज प्रोडक्ट फ्री मिल गया था, ये वाओ स्किन साइंस की एलोवेरा जेल। तो ये भी मैंने अभी तक यूज नहीं किया, तो इसका जो रिटेल प्राइस है 299, जिसके अंदर आपको 100 ml प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये भी कॉस्टली है। तो वैसे मैंने वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट पास्ट मंथ में ट्राई आउट किए हुए हैं, तो मुझे काफ़ी सही लगते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं तो वो मुझे इफेक्टिव लगे, अच्छे लगे। तो ये वाला एलोवेरा जेल भी मैं यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने जो पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं पर्पल की सेल में से, तो मुझे दो प्रोडक्ट्स फ्री मिल गए थे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे फ्री मिला है अल्सकुंडस का फेस स्क्रब, इसकी जो क्वांटिटी मुझे मिली है 30 ग्राम और इसका वेरिएंट मुझे मिला है सैंडलवुड। ये भी मैंने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया, सील्ड आप देख सकते हैं, तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्ट कैसा है। और सैंडलवुड तो वैसे भी स्किन के लिए अच्छा होता है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, तो मैं जल्दी इसको यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। तो सेकंड जो प्रोडक्ट मुझे फ्री मिला है पर्पल की सेल में से, सैंपल साइज है डर्मडॉक की सन प्रोटेक्शन जेल क्रीम। ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, तो इसकी जो क्वांटिटी मुझे मिली है ये 2 ग्राम है, ओनली इतना सा प्रोडक्ट मिला है। तो ये वाले प्रोडक्ट को भी मैं यूज करने के बाद ही आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। सो रिसेंटली मेरा बर्थडे गया है, तो मैंने अपने बर्थडे के अराउंड एल्फ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स लिए थे, नायका से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लिए थे, ओनली 4 प्रोडक्ट्स लिए थे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो लिया है मैंने नायका से एल्फ कॉस्मेटिक का ये आई शेडो प्राइमर, ये सील्ड है, मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। तो ये आप देख सकते हैं ये इसके अंदर आपको एक ही शेड मिलेगी, तो मैं इसका जल्दी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी इसको यूज करने के बाद। तो ये मुझे देखने में एक्साइटिंग लग रहा है, मैंने अभी तक कोई आई शेडो प्राइमर नहीं यूज किया, मेरा फर्स्ट टाइम ही होगा कि मैं आई शेडो प्राइमर यूज करूंगी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैंने एल्फ कॉस्मेटिक का लिया नायका से, ये एल्फ की लिप लिकर। तो इसका जो है शेड है ये ग्लॉस वाला है, इसके अंदर शेड सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे तो मैंने ग्लॉसी वाला लिया, तो इसका शेड है बबल्स। तो ये जो लिप ग्लॉस है इसको मैंने थोड़ा सा अभी अपने लिप्स पर अप्लाई किया, तो थोड़ा स्टिकी लग रहा है, मैं इसको और यूज करूंगी फिर मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। वैसे स्टिकी है, लिप ग्लॉस है, बट हाँ थोड़ा ऐड कर सकते हैं अपने मैट लिपस्टिक पर अगर आप लोगों को ग्लॉसी लिप्स चाहिए, ग्लॉसी वाला शाइन चाहिए अपनी लिप्स पर।
तो ये जो एल कॉस्मेटिक का लिप लेकर है, इसकी जो क्वांटिटी है 2.5 ml, उसका रिटेल प्राइस है 320, बट मुझे हैवी डिस्काउंट में मिल गया था ये वाला प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैंने नायका से लिए हैं एल कॉस्मेटिक के, ये बाइट साइज आई शेडो पैलेट्स। तो मैंने इसके दो शेड्स लिए हैं, एक है ट्रफल्स और दूसरा है बेरी वेट। तो ये दोनों आई शेडो पैलेट में से मैंने अभी तक एक ही ट्राई किया, ये बेरी वेट वाला काफी अच्छा लगा मुझे। कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में ट्रेवल फ्रेंडली, काफी कन्वीनियंट पैकेजिंग है, पिगमेंटेशन अच्छा है, बिल्डेबल है। तो ये वाले बाइट साइज आई शेडो पैलेट्स आप जरूर ट्राई कर सकते हैं एल्फ कॉस्मेटिक के। मैं दूसरा वाला ट्राई करूंगी जल्दी, फिर मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए बेरी वेट के अंदर ये वाली कलर रेंज है, कलर रेंज काफी अच्छी है, प्लम शेड्स है इसके अंदर, तो इसके अंदर ट्रांजिशन शेड भी है। तो ये वाले आई शेडो पैलेट्स आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैं नायका वाले पेज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक मेंशन कर दूंगी, आप ऑफर एंड डिस्काउंट में या फिर अभी भी ले सकते हैं। 20% 30% चलता ही रहता है ऑलमोस्ट नायका पर हमेशा। सेकेंड वाली ये आई शेडो पैलेट, इसका नेम है ट्रफल्स। तो ये मैंने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया, मैं जल्दी इसको यूज करूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ इन दोनों आई शेडो पैलेट्स का रिव्यू शेयर कर दूंगी। तो जब मैंने ये एल्फ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स लिए थे नायका से, तो वहां पर ऑफर था कि आप लोगों को फुल साइज एल्फ कॉस्मेटिक का हाईलाइटर फ्री मिलेगा। तो ये है वो हाईलाइटर जो मुझे फ्री मिला है, इसका जो शेड मुझे मिला है 24K गोल्ड। तो शेड भी काफी अच्छा है, मैंने काफी सारे रिव्यूज में देखा था कि ये हाईलाइटर बहुत अच्छा है। तो इसका जो रिटेल प्राइस है वो है आई थिंक 699, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। सो ये जो एल्फ कॉस्मेटिक का हाईलाइटर है, पैकेजिंग आप देख रहे हैं, पैकेजिंग अच्छी है। तो मैंने इसको एक बार यूज किया, तो मैं इस प्रोडक्ट को लेकर कंफ्यूजन में हूँ, मैं इसको और यूज करूंगी तभी मैं इसका रिव्यू शेयर कर पाऊंगी। ये वाले हाईलाइटर का मुझे अभी तक इतना अच्छा नहीं लगा फर्स्ट इम्प्रेशन में, मैं बोलूँ तो ये मुझे ओके लगा, हाईलाइटर इतना कुछ खास नहीं लगा। बट हाँ, मैं इसको और यूज़ करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है या नहीं है हाईलाइटर। तो थोड़ा वेट करें, मैं इसको और यूज़ करूँगी तभी मैं अपना रिव्यू आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी। वैसे पैकेजिंग अच्छी है, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में है और शेड भी इसका अच्छा है हाईलाइटर का। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स होंगे मेरे हॉल में वो माइग्लैम के होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, दो ही है। मैंने जो माइग्लैम के कूपन कोड्स और सेल आती रहती तब मैंने लिए थे। तो मैंने माइग्लैम से इस बार मनीष मल्होत्रा के स्किन केयर रेंज ली है, तो मैंने उसमें से दो प्रोडक्ट्स लिए थे। सो फर्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया है मनीष मल्होत्रा के स्किन केयर रेंज में से, ये रोज लिप मॉइस्चराइजिंग जेल। तो ये वाली जेल मैंने एक से दो बार यूज़ किया, अभी तक मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इसका जो रिटेल प्राइस है 745, इसके अंदर आपको ओनली 30 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा। पैकेजिंग आप देख रहे हैं, आउटर पैकेजिंग अच्छी है, जैसे मनीष मल्होत्रा के सारे मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स की होती है सिमिलर पैकेजिंग है। मैं इसकी मेन पैकेजिंग दिखा देती हूँ प्रोडक्ट की आपको ओपन करके। तो ये देखिए, ये मनीष मल्होत्रा के रोज लिप मॉइस्चराइजिंग जेल स्किन केयर रेंज में से जो ये प्रोडक्ट है, पैकेजिंग काफ़ी लग्जूरियस है, पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी, डिसेंट पैकेजिंग है। बट हाँ, एक ही डिसएडवांटेज है कि टब साइज में है, तो आपको अपनी फिंगर्स इसके अंदर डिप करनी पड़ेंगी इस प्रोडक्ट के अंदर। तो जो भी सारे मनीष मल्होत्रा के स्किन केयर रेंज है माइग्लैम पर, वो सारे ही ऐसे टब साइज पैकेजिंग में है, थोड़ा यही डिसएडवांटेज है, अदरवाइज पैकेजिंग काफी अच्छी है। सो ये वाली लिप मॉइस्चराइजिंग जेल को मैं और यूज करूंगी तभी मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर पाऊंगी कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। सो लास्ट जो प्रोडक्ट है आज के मेरे हॉल में, ये माइग्लैम मनीष मल्होत्रा की हल्दी आई जेल। तो ये वाली आई जेल मैं कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ, बट मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है नहीं, तो मैं अभी इसका रिव्यू नहीं करूंगी। तो पैकेजिंग आप देख रहे हैं सिमिलर पैकेजिंग है, इसका भी रिटेल प्राइस 745, इसके अंदर आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी ऐसे टब साइज पैकेजिंग में, मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोडक्ट को। सो ये देखिए, ये जो हल्दी आई जेल है सिमिलर पैकेजिंग है जैसे लिप मॉइस्चराइजिंग जेल की थी, तो यही डिसएडवांटेज है। सो ये जो मनीष मल्होत्रा की हल्दी आई जेल, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों का डार्क सर्कल्स है, पफीनेस है आपके अंडर आई एरिया में, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं प्रोडक्ट को। आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत, बट वो आप इसको कंटिन्यूसली यूज करेंगे तब। तो ये भी ऐसे टब साइज पैकेजिंग में, इसको ओपन करके दिखा देती हूँ प्रोडक्ट को। ये देखिए, यहाँ पर मनीष मल्होत्रा रिटर्न है, ये इसकी कैप है इसका प्रोडक्ट के ऊपर, टब के ऊपर। तो ये देखिए, हल्दी आई जेल के अंदर आपको ये कलर मिलेगा येलोइश कलर, क्योंकि हल्दी आई जेल है ये, आपके ये अंडर आई एरिया को काम रखेगी, सूत रखेगी, रिफ्रेश रखेगी। आप ये हल्दी आई जेल को ट्राई कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पर एक कोड मेंशन कर दूंगी, आप इसको 50% डिस्काउंट और पॉइंट्स यूज करके ये वाले प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए तो। और आप कोई भी माइग्लैम से प्रोडक्ट ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पे वो कोड मेंशन कर दूंगी, जिससे आप लोगों को 50% ऑफ मिल जाएगा।
सो ये सारे प्रोडक्ट्स थे मेरे आज के हॉल में। होप आपको ये हॉल वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे तो मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, दर्शाइनी अंकिता। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप मेरी पुरानी वीडियोज भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोज देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।